हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। सीपीसी का हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं। सीपीसी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रस सब्जिडाइज एंड रेस ज्यूडिकाटा, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके 90% से प्लस चांसेस होते हैं कि ये मेन पेपर में आपको क्वेश्चन आया है, रेस ज्यूडिकाटा स्पेशली, राइट। वो सेक्शन 11 है रेस ज्यूडिकाटा। आज हम लोग कर रहे हैं रस सब्जिडाइज, दैट इज सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, राइट। सेक्शन 10 जो है वो उसका सिंपल सा पर्पस है कि अगर दो पार्टीज प्लेंटिव ने डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल कर दिया किसे सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, और उसके बाद प्लेंटिव ने अगेंस्ट द डिफेंडेंट एक और सूट फाइल कर दिया सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, ठीक है जी। लॉ कहता है कि एक सब्जेक्ट मैटर को एक ही केस चलेगा, दो केस तो चलेंगे नहीं। अगर ए ने बी से रेंट की रिकवरी करानी है 2018-19 की, तो वो एक सूट फाइल करेगा ना, दो सूट तो ना फाइल करेगा। अगर उसने एक सूट फाइल कर दिया, सपोज बठिंडा में फाइल कर दिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट जो उसका टीनेंट है, सेम सूट उसने एक और जगह और फाइल कर रखा है 18-19 की रिकवरी के लिए कि एक पूरे साल की रिकवरी है जो रेंट की उसने जो नहीं दिया वो, तो दैट मीन सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टीज सेम है, और जो सूट है वो दो जगह फाइल कर रखे हैं प्लेंटिव ने अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर, इश्यूज हमारे सेम है, ठीक है जी, पार्टीज हमारी सेम है, लेकिन पार्टी जो प्लेंटिव ने अगेंस्ट द डिफेंडेंट दो सूट फाइल कर रखे हैं। तो सेक्शन 10 का सिंपल सा पर्पस है, सेक्शन 10 कहता है जहां प्लेंटिव ने पहले सूट फाइल किया था वो सूट कंटिन्यू चलेगा, जो दूसरा सूट फाइल किया है वो उसको जो है जो कोर्ट है वो ट्रायल नहीं कर सकती, उसको स्टे लगा रही है वहीं पे, ठीक है जी। क्यों लगा रही है? कोर्ट ने कहा कि बेसिकली अगर दोनों को अलाउ कर दिया जाए तो दो डिसीजन आएंगे, हो सकता है कि दोनों डिसीजन एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हो तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लॉ कहता है कि अगर सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग सेम पार्टीज में दो सूट फाइल पेंडिंग है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेम कोर्ट में, तो लॉ कहता है कि एक जो जो सब्सिक्वेंटली आपने सूट फाइल किया था, बाद में सूट फाइल किया वो उसका जो कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती, द कोर्ट इज बार्ड टू ट्रायल द सब्सिक्वेंट केस। तो ये लैंग्वेज वाली बेसिकली सेक्शन 10 क्या कह रहा है, वे सेम सब्जेक्ट मैटर, यहां पर इंटेंशन क्लियर है कि दो सूट फाइल है, दो सूट हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर है, इज पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, हमारे इंडिया की जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहां पर पेंडिंग है फॉर एडजुडिकेशन डिसीजन के लिए बिटवीन द सेम पार्टीज, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज क्या है वो सेम है, सब्जेक्ट मैटर क्या है वो सेम है, द अदर कोर्ट सब्सिक्वेंट कोर्ट है जहां पर आपने सेकंड सूट फाइल किया है वो कोर्ट इज बार टू एंटरटेन, यहां पर बार्ड वर्ड लिखा है, टू एंटरटेन द केस सो लॉन्ग एज द फर्स्ट सूट गोज ऑन, जब तक पहला सूट चल रहा है कंटिन्यू चल रहा है तब तक सेकंड कोर्ट जो है उसको बार्ड कर दिया कि आप एंटरटेन नहीं कर सकते, एंटरटेन मतलब उसका ट्रायल नहीं कर सकते आप, आपको वहां पे एक बार स्टे लगानी पड़ेगी ये ग्राउंड पे कि द सेम सब्जेक्ट मैटर इज पेंडिंग इन अ डिफरेंट कोर्ट, और ये इसलिए उसका डिसीजन जो हम लोग वेट करेंगे सेकंड कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ हियर, वी हैव अ टू कोर्ट, ए कोर्ट एंड द बी कोर्ट, सी एंड डी बोथ अप्रोच, सी एंड डी बोथ अप्रोच, सी इज अ प्लेंटिव, डी इज अ डिफेंडेंट, राइट। सी ने डी के अगेंस्ट ए कोर्ट में फाइल कर दिया सूट रेंट के रिगार्डिंग, 18-19 का रेंट है वो पेंडिंग है अभी, वो ड्यू है अभी, डी ने दिया नहीं, सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग उसने बी कोर्ट में भी सूट फाइल कर रखा है, ये सूट फाइल किया 1 जनवरी को और ये किया 1 फरवरी को, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट कौन सी हुई, बी हुई, ठीक है जी। फर्स्ट कोर्ट कौन सी है, ए कोर्ट है, तो ए कोर्ट का जो ट्रायल है वो कंटिन्यू रहेगा, बी कोर्ट जो है उसको बार्ड कर दिया कि आप इसका ट्रायल नहीं कर सकते। द मूवमेंट ए कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सेम बी कोर्ट जो है इस डिसीजन को अप्लाई कर देगी और इस केस को खत्म कर देगी, कोर्ट कहेगी कि द सब्जेक्ट मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट ए एंड दिस कोर्ट इज, ये जो कोर्ट है बी कोर्ट है वो अपना रूल लगा देगी रेस ड्यूटी काटा का सब्जेक्ट मैटर हाउस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, यहां पे सिर्फ बी का सिर्फ इतना सा आंसर होगा
जब ए कोर्ट ने फैसला सुना दिया, बी कोर्ट सिर्फ इतना लिखेगी कि सब्जेक्ट मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट बाय द कोर्ट ए, तो केट कोर्स जो बेसिकली जो केस है द केस इज डिसमिस्ड। ठीक है जी, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 10। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है हमारे रेस जुडिकाटा की, सेक्शन 10 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की है जहां पर फॉरेन कोर्ट के रिगार्डिंग बात की है। हमने वर्ड यहां पे यूज किया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेयर लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। यहां पे हमने वर्ड किया है बेसिकली द कोर्ट ऑफ लॉ, यहां पे हमने इंडियन कोर्ट के बारे में बात की है, इंडियन कोर्ट, दोनों कोर्ट्स इंडियन होनी चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेन कोर्ट एट ऑल। एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी सेक्शन 10 में, उन्होंने कहा कि अगर एक सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, प्लेंटिफ ने डिफेंड अगेंस्ट फॉरेन कंट्री में सूट फाइल कर रखा है, और जब वो वहां पे इंडिया में आए तो प्लेंटिफ ने अगेंस्ट द डिफेंडेंट सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग इंडिया में भी केस फाइल कर दिया। लॉ कहता है कि रस सब्सिडाइज नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं कि दोनों केस इंडिया में पेंडिंग होने चाहिए। द अर्लियर सूट पेंडिंग इन द फॉरेन कोर्ट डज नॉट बार द इंडियन कोर्ट टू ट्रायल द केस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन वन ऐड कर दी, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट बार द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग अगर फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, इंडिया कोर्ट में दोबारा सब्सिक्वेंट सूट डाल कर दिया, तो ये रेस जुडिस अप्लाई नहीं होगा। रेस जुडिस अप्लाई तभी होगा जब इंडिया में दो केस पेंडिंग है, सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, सेम पार्टीज में। ठीक है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। देन वी हैव अ केस गुरुप्रसाद वर्सेस विजय कुमार का केस है, एआर 2004 ओडिशा हाई कोर्ट 209 पेज नंबर। कोर्ट ने हेल्ड किया द पॉलिसी ऑफ लॉ सेक्शन 10 अगर हमने बनाया तो उसके पीछे एक पॉलिसी होती है। लॉ की पॉलिसी क्या है? लॉ कहता है कि हम लोग यहां पर प्लेंटिफ को कन्फाइन कर रहे हैं, यहां पर प्लेंटिफ को हम कन्फाइन कर रहे हैं कि आप एक सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग एक सूट ही फाइल कर सकते हो। तो हमने यहां पर प्लेंटिफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप एक टाइम पे एक ही सूट फाइल करना, तो हम किसको कन्फाइन कर रहे हैं? प्लेंटिफ को कन्फाइन कर रहे हैं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में द पॉलिसी ऑफ लॉ इज टू कन्फाइन द प्लेंटिफ टू वन लिटिगेशन। आप एक ही केस फाइल करो ना, दो केस, तीन केस, चार केस क्यों फाइल कर रहे हो सेम एक्शन के, सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग? तो इसका पर्पस, पॉलिसी का पर्पस इतना ही, प्लेंटिफ को कन्फाइन कर दो एक लिटिगेशन के लिए। दस ऑब्विएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टू क्वाड्रेटिव वर्डिक्ट, लॉ कहता है कि इससे एक फायदा होगा। अगर हमने प्लेंटिफ को बार कर दिया कि एक टाइम पे एक ही सूट फाइल करो, तो इसका फायदा यह है कि अगर प्लेंटिफ ने दो सूट फाइल किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट में फाइल किए हैं, अगर डिफरेंट कोर्ट ने दोनों ने डिसीजन दे दिया, एक ने कह दिया कि आप रेंट ले सकते हो, दूसरे ने कहा कि रेंट नहीं ले सकते, तो आप किसके डिसीजन को मानोगे? तो यहां पे तो कोर्ट की जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई, दो कोर्ट के दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फैसले, तो लॉ कहता है कि इसीलिए ये जरूरी है कि हमने प्लेंटिफ को बार कर दिया कि आप एक टाइम में एक ही सूट फाइल करो, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये सूट फाइल नहीं कर सकता। हमने यहां पे ड्यूटी किसकी लगाई है? कोर्ट की लगाई है। द मोमेंट कोर्ट केम टू नो कि यहां पे इस पार्टी के दो केस पेंडिंग है, दोनों सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज है, तो सब्सिक्वेंट सूट है वो उसको बार कर देगी कि हम यह ट्रायल नहीं कर सकती। तो यहां पे कोर्ट की जिम्मेवारी है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन कोर्ट को पता कैसे लगेगा? ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है, तो डिफेंडेंट ही बताएगा ना कोर्ट में जाके कि सर ये क्या हो रहा है,
पहले इसने मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया तलवंडी साबो में, अब सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग बठिंडे में सूट फाइल कर दिया, अब मैं कहां जाऊं? मैंने वहां पे भी एक एडवोकेट हायर कर दिया, मैंने यहां पे भी एडवोकेट हायर कर दिया, रेंट मुझसे मांग रहे 5,000, मैंने जो एडवोकेट को उनको 25,000 दे दिए, ऑलरेडी मैंने रेंट पे कर चुका है, लेकिन यार बुझ के ये मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो लॉ कहता है ये हरासमेंट है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका पर्पज सिर्फ इतना है कि प्लेंटिव को कन्फाइन कर दो वन लिटिगेशन के लिए, राइट। देन सेक्शन 10 जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो सिर्फ सूट पे अप्लाई होती है। सेक्शन 10 ओनली अप्लाइज टू सूट्स, सिर्फ सूट पे अप्लाई होती है, एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो सेक्शन 10 अप्लाई है ओनली टू सूट, नॉट टू एप्लीकेशन एंड कंप्लेंट, कंप्लेंट बिफोर द अथॉरिटी, नॉट बिफोर द कोर्ट। आपने कंप्लेंट फाइल कर दी जी पुलिस में, दो थानों में, दो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल कर दी, इट्स नॉट अ कंप्लेंट एट ऑल। जब तक कोर्ट में नहीं आती, कोर्ट उसको ट्रायल नहीं कर सकती। तो यहां पे कंप्लेंट की बात कर रहा हूं, मींस अदर देन द कोर्ट, किसी और अथॉरिटी के सामने आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, एसएसपी के सामने फाइल कर दी, एक डीएसपी को मूव कर दी, एक एसएचओ को मूव कर दी, तो यहां पे कंप्लेंट पे अप्लाई नहीं होता। एसएसपी आपने बठिंडा में अप्लाई कर दी, एसएसपी की आपने मानसा में अप्लाई कर दी, सेम कॉज ऑफ एक्शन की रिगार्डिंग, कोर्ट कहता है ये ऐसा नहीं चलेगा। जो रेसिड्यूडा इज बेसिकली वो सिर्फ कोर्ट पर्पस के लिए बनाया और सूट पे अप्लाई होता है, ये एप्लीकेशंस, ये कंप्लेंट अदर देन कोर्ट उस पे अप्लाई नहीं होता, राइट। देन बेसिकली यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मैटर इन इश्यू की, राइट। मैटर इन इश्यू इज इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पे मैटर इन इश्यू का ही पता होना चाहिए कि मैटर इन इश्यू जो है बेसिकली वो सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर हम बात कर रहे हैं, मैटर इन इश्यू सेम होना चाहिए। तो द वर्ड मैटर इन इश्यू मींस द एंटायर मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी, जो उनकी कॉन्ट्रोवर्सी है, जो उनका डिस्प्यूट है, हम उसको पूरे को पूरा चेक करेंगे, ठीक है जी, एंड नॉट मेयरली वन ऑफ द सेवरल इशू। लॉ कहता है अगर ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, ठीक है जी, कर दिया, ऑल ओके है, लेकिन अगर उसने दूसरा जो सूट फाइल किया उसका सिर्फ 20% ही पहले वाले सूट के साथ मैच करता है, 80% मैच ही नहीं करता, तो लॉ कहता है ये रस सर्विडेस कैसे अप्लाई होगा? रस सर्विडेस तभी अप्लाई होगा जब सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम इश्यूज हैं, तब जाके अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। देन वी हैव अनदर केस, इंपॉर्टेंट वन, श्री बाला प्रसाद वर्सेस श्रीमती जगपता 1954 एजी पे 696 पेज नंबर। तो ये केस में भी कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर अर्लियर सूट रिकवरी ऑफ रेंट के लिए पेंडिंग है, लॉ कहता है आपने फर्स्ट सूट जो फाइल किया वो रेंट की रिकवरी के लिए है, लाइक 2018 या 19, इस साल के लिए आपने रेंट की रिकवरी के लिए आपने सूट फाइल कर दिया, क्योंकि टीनेंट ने आपको किराया नहीं दिया, डेफिनेटली आपने सूट तो फाइल करना ही करना था, तो आपने फर्स्ट सूट फाइल कर दिया फॉर द रिगार्ड रिकवरी ऑफ रेंट, किसके रिकॉर्ड पूरे साल का 2018 से लेकर 2019 तक। नाउ वेयर द अर्लियर सूट वॉज फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट फॉर अ सर्टन पीरियड एंड अ सब्सिक्वेंट रेंट सब्सिक्वेंट सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ रेंट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब दूसरा सूट फाइल कर दिया रिकवरी ऑफ रेंट के रिगार्डिंग 2019 और 2020 का, लॉ कहता है कि भाई अब तो बिल्कुल मैटर अलग है, उसने पहले आपको 18 और 2019 का किराया दिया, तब आपने सूट फाइल किया, इन द मेन टाइम 2019-20 कंप्लीट होगी, क्योंकि यहां पर लिमिटेशन फिर 3 years है, राइट। तो जब आपने सूट फाइल किया था, इसका जो अमाउंट था वो ड्यू था, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि आप वेट कर रहे थे कि वो शायद पे कर दे, लेकिन उसने पे नहीं किया, तो आपने सेकंड सूट भी फाइल कर दिया, तो दो सूट पेंडिंग है, दोनों रिकवरी ऑफ रेंट के रिगार्डिंग है, लेकिन पहला सूट है 18-19 का और दूसरा सूट है 19-20 का, राइट। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ, द मैटर इन इश्यू इन द टू सूट वुड नॉट बी डीम्ड टू द सेम एंड सेक्शन 10 डज नॉट अप्लाई, ठीक है जी। यहां पर मैटर इन इश्यू सेम नहीं है, यहां पर एक 18-19 का है
और दूसरा 1920 का है, तो कॉज ऑफ एक्शन तो सेम हुई नहीं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका इफेक्ट रेस ज्यूडिकाटा, जब रेस ज्यूडिकाटा करेंगे तो वहां पे जो जो हम लोग ये एग्जांपल करेंगे वो सेम करेंगे, लेकिन वो अलग है, बिल्कुल मैटर अलग है, उसमें इसमें कंफ्यूजन मत होना। और ये सिर्फ हम रेस्टोरेंट की बात करें, दोनों अगर केस पेंडिंग है इंडिया में दो कोर्ट्स में, सेम पार्टीज है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, तो रेस्टोरेंट अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड सूट 1920 का है, इसलिए यहां पर ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, मान ली दोनों सूट ट्रायल होंगे, दोनों का डिसीजन होगा और डिसाइड होगा। सो अनलेस द डिसीजनल सूट अपीयर्ड एज रेस ज्यूडिकाटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है हमने चेक कर रहे हैं वो क्या है, लॉ कहता है रेस्टोरेंट अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही तरीका चेक करने का। लॉ कहता है कि पहले आपने कोर्ट ए में सूट फाइल किया, फिर आपने कोर्ट बी में सूट फाइल किया, प्रेंटिव डिफेंडेंट सेम है दोनों केसेस में, कॉज ऑफ एक्शन सब्जेक्ट मैटर सेम है, टाइटल सेम है, ठीक है जी। लॉ कहता है कि अगर हमने चेक करना है रेस्टोरेंट, तो आप सिर्फ एक चीज चेक कर लो कि अगर पहली वाली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो क्या दूसरी कोर्ट रेस ज्यूडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए सेकंड सूट डिसमिस कर देगी या नहीं कर देगी, दैट्स इट। लॉ कहता है रेस ज्यूडिकाटा, यहां पे मैं थोड़ा सा एक मतलब आपको बताता हूं, क्योंकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो रेस ज्यूडिकाटा पे ही हम लोग करेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग डीपली वहां पर करेंगे, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा समझा दूं रेस ज्यूडिकाटा है क्या। लॉ कहता है रेस्टोरेंट में कि दोनों सूट पेंडिंग है, सेम सब्जेक्ट मैटर में, सेम पार्टीज में दोनों सूट पेंडिंग है। रेस्टोरेंट का क्या कह रहा है कि ऑलरेडी सेम पार्टीज हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन एक डिसीजन हो चुका है, एक डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है ऑन मैरिट बेस पे, बस आपने वो दूसरे पे अप्लाई करके दूसरे केस को डिसमिस करना है, ठीक है जी। तो यहां पर रेस्टोरेंट का ये है, लॉ कहता है किसी बात इतनी सी बात चेक कर लो कि अगर दोनों सूट पेंडिंग है, मान के चलो, जस्ट प्रज्यूम योरसेल्फ कि अगर पहली वाली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, क्या उसका डिसीजन दूसरी कोर्ट पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर वो रेस ज्यूडिकाटा है तो अगर वो अप्लाई हो रहा है और दूसरी कोर्ट उसको डिसमिस कर रही है कि और इस रीजन के रिगार्डिंग आपका जो मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द अर्लियर कोर्ट, अगर ये हो रहा है, ये प्रजम्पशन स्ट्रांग है हमारी, तो रेस ज्यूडिकाटा अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल टू से, अगर बी कोर्ट कह देगी मतलब इसने डिसीजन दे दिया लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकती, इसका तो चलेगा चलेगा ट्रायल, तो रेस्ट ऑफ इसका मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो हाउएवर सब्जेक्ट मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द सूट्स रिमेन द सेम बट रिलीफ वर बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन द लेटर सूट शुड बी स्टे। लॉ कहता है कि हमने तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर देखना है, हमने टाइटल देखना है, आपने रिलीफ चेक मांगी है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए। अगर आप रिलीफ चेंज कर रहे हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, आप इस कान, आप इसको कान को पकड़ लो, आप इस कान को पकड़ लो, फर्क तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो लॉ कहता है सेम सब्जेक्ट मैटर है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, सेम पार्टीज है, रिलीफ आपने जानबूझ के चेंज कर दी ताकि कोर्ट को पागल बनाया जा सके, लॉ कहता है तब भी रेस्टोरेंट अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशंस की,
दीज आर द कंडीशंस जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, उसका अगर हम निचोड़ निकालें तो ये हमारी कंडीशंस आती हैं। दो सूट्स पेंडिंग है जी, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में या सेम कोर्ट में। मैं डिफरेंट कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं सेम कोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, डिफरेंट स्टेट भी हो सकता है, सेम कोर्ट में भी हो सकते हैं। तो मतलब टू सूट हमें पेंडिंग चाहिए सिर्फ, वो दोनों पेंडिंग होने चाहिए, दोनों चल रहे हैं, सेम पार्टीज हैं, पहले वाले सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में दोनों की सेम पार्टीज है, सेम टाइटल है, ठीक है जी, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है। जो पहले वाली कोर्ट है, अर्लियर कोर्ट जो है, प्रीवियस को जो हमने जहां पर फर्स्ट जो सूट फाइल किया है, वो केस के वो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होनी चाहिए कि अगर वो सब्सिक्वेंट सूट भी मेरे पास लेके आते तो मैं, मेरे पास जुरिडिक्शन थी, मैं उसको डिसीजन दे सकता था। लॉ कहता है कि रस सर्वोडाइज अप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव केस शेट्टी, शेट्टी वर्सेस गिरधर, एयर 1982, सुप्रीम कोर्ट 83, पेज नंबर। लॉ कहता है वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 डू नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाइड। लॉ कहता है कि अगर ये 10 सेक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि पार्टी सेम है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन सेक्शन 10 प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहा, स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं हो रहा। लॉ कहता है कि हमने कोर्ट को इनहेरेंट पावर दे रखी है, इंस्पाइट ऑफ डेट अगर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं हो रहा, 10 को तो छोड़ दो, 151 ऑफ सीपीसी में सेक्शन है जो इनहेरेंट पावर दे रहा है कोर्ट को, सिविल कोर्ट को। लॉ कहता है अगर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं हो रहा, हार्डली मैटर्स, अगर कोर्ट को लगता है कि सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन है लेकिन प्रॉपर तरीके से सेक्शन 10 अप्लाई नहीं हो रहा, इंस्पाइट ऑफ डेट द कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू स्टे द सूट, कौन सा, सब्सिक्वेंट। तो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर हमेशा रहती है टू स्टे अ सूट इन द एंड ऑफ जस्टिस बट नॉट अदरवाइज बिकॉज वी हैव एक्सप्रेस सेक्शन 10। अगर सेक्शन 10 अप्लाई हो रहा तो बात खत्म, हम इनहेरेंट पावर यूज नहीं करते। इनहेरेंट पावर तभी यूज करते हैं जब ऑलरेडी हमारे लॉज है, जो हमारे सेक्शन है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तब जाके कोर्ट जस्टिस के लिए जो है बेसिकली न्याय देने के लिए अपनी इनहेरेंट पावर यूज करती है, ठीक है जी सर। ये इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, डिक्री पास्ड इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ सेक्शन 10 इज नॉट अ नलिटी। इस कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, इस कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, कोर्ट को पता ही नहीं लगा कि हाँ भी ऑलरेडी पेंडिंग है सूट, इस पे तो अप्लाई होगा नहीं रेसिडुइज, क्योंकि दूसरी कोर्ट पे हमेशा अप्लाई होता है, जो सब्सिक्वेंट सूट डालते हैं वही हमेशा स्टे होता है, तो इसलिए तो फैसला सुना नहीं था, लेकिन दूसरी कोर्ट को बताया ही नहीं पार्टीज ने और कोर्ट को खुद को पता नहीं लगा, तो यहां पर भी डिसीजन हो गया, तो वी हैव अ टू डिसीजन, दोनों डिसीजन आ गए हमारे पास, प्रॉब्लम है दोनों डिसीजन आ गए। लॉ कहता है कि जो डिग्री पास हुई है इस कोर्ट द्वारा दोनों द्वारा, क्योंकि यहां पर सेक्शन 10 की उल्लंघना तो हो गई, कॉन्ट्रावेंशन तो हो गई, आपने इसकी वायलेशन कर दी सेक्शन 10 की, लेकिन कोर्ट को क्या पता था कि ऑलरेडी पेंडिंग है सूट, लेकिन कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया। लॉ कहता है कि जो डिग्री सुनाई गई है दोनों केसेस में, चाहे वो सेक्शन 10 की उल्लंघना है, वायलेशन है, इन स्पाइट ऑफ डैट जो डिग्री है वो वैलिड है, वो न्यूलिटी नहीं है, नल एंड वॉइड नहीं है, वो सही है, सही ही मानी जाएगी, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। इसलिए हम उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसकी एग्जीक्यूशन भी होगी, सो दैट मीन्स अ पार्टी कैन वेव दिस रूल। लॉ कहता है कि यहां पर पार्टी ही कोर्ट को बताएगी, डिफेंडेंट ही कोर्ट को बताएगा कि सर प्लेंटिफ ने ऑलरेडी सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग दूसरी जगह पे मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया है, लेकिन अगर यहां पर डिफेंडेंट वेव कर रहा है अपना राइट, नहीं बता रहा, अलाउ कर रहा है कोर्ट को भी ठीक है ट्रायल कर लो, तो उसके बाद जो डिफेंडेंट है उसकी ऑब्जेक्शन बाद में लेटर ऑन नहीं ले सकता, जब दोनों कोर्ट द्वारा डिसीजन आ गया उसको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है जी। Hence, if the party waive their right, अगर किसी डिफेंडेंट ने अपना राइट ये छोड़ दिया और लेट द कोर्ट अलाउ
कि वो कंटिन्यू करते रहे और डिसीजन आ गए, दोनों कोर्टों का डिसीजन आ गया, डिफेंडेंट ने कहा ही नहीं और उसने अपना राइट जो था वेव कर दिया एक्सप्रेसली, जहां आज द कोर्ट जहां अदरवाइज कोर्ट को एक्सप्रेसली बोल दिया कि सर आप कंटिन्यू करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं तो बाद में आप चैलेंज उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते उसकी वैलिडिटी को, आप जो डिसीजन दिया है कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये एक केस था मुन्नी लाल वर्सेस सर्वजीत, इस केस में ये हेल्ड किया था मुन्नी लाल वर्सेस सर्वजीत, ए 1984 राजस्थान हाई कोर्ट 22 पेज नंबर, मुन्नी लाल वर्सेस सर्वजीत केस था ये, तो उस केस में ये हेल्ड किया था डिसीजन कॉन्ट्रडिक्ट। लेकिन एक बात और, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में एक बात हमेशा रहेगी कि अगर दोनों लेग्स पोस्ट, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ए ने 1,00,000 रुपया लेना था बी से, तो उसने इस केस में यहां पर सूट फाइल कर दिया, सेम सूट यहां पे फाइल कर दिया, तो दोनों कोर्ट में 1,00,000 रुपए का डिसीजन आ गया, लेना 1,00,000 था डिसीजन 2 आ गए 1,00,000 के। ए ने अप्लाई कर दिया एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में कि सर एग्जीक्यूट करो जी, वो तो पैसे नहीं दे रहा, मुझे तो पैसे दिलाओ। अब उसने एग्जीक्यूशन फाइल कर दी राइट, अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो चेक करेगी ठीक है कि उसको कितना देना है कितना नहीं देना, ये नहीं वो गलत है लेकिन वो इसको जरूर चेक करेगी, क्योंकि डेफिनेटली लॉ ये कहता है कि जस्टिस के लिए जितना पैसा उसने को चाहिए था उतना ही आपको मिलेगा ठीक है। तो वहां पे हालांकि आप ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते ठीक है, बट ये भी नहीं है कि आप डिक्री जो जजमेंट लेटर है उसके साथ जबरदस्ती करो ठीक है, ये भी नहीं है कि उसने राइट वेव कर दिया तो भी। तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग ऑफ डिसीजन है इस केस में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट 2,00,000 दिला देगी उसको जब उसको 1,00,000 दिलाएगी, यहां पे अभी तक व्यूज क्लियर नहीं है, बट एज पर माय ओपिनियन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अगर उसको पता लग गया कि हाँ भी दोनों दो डिसीजन सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अपने रीजंस देके एक डिग्री उसको जो है वो इंप्लीमेंट करा देगी, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है जी। देन वी हैव अनदर वन केस, एक और केस है हमारे पास, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग लिमिटेड राइट, ए ईयर 1988 सुप्रीम कोर्ट 1952 पेज नंबर है। लॉ ने एक बात क्लियर कर दी कि जब हम ट्रायल की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 10 है वो ऑर्डिनरी सूट पे अप्लाई होगा, एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ठीक है जी। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एप्लीकेशन, और ये समरी ट्रायल पे भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, हेल्ड क्या किया, दैट अ ट्रायल एज कंटेन्ड इन सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल ओनली टू रेगुलर और ऑर्डर सूट एंड नॉट टू अ समरी सूट फाइल अंडर ऑर्डर 37। जो समरी सूट आपने फाइल किया है ऑर्डर 37 के अंदर, इस पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता, चाहे आप दो अप्लाई कर दो नहीं होगा अप्लाई। समरी सूट है क्या, समरी सूट वो सूट है जिसमें डिफेंडेंट के पास कोई राइट नहीं है डिफेंस लेने का, ही हैज नो राइट, उसको पास राइट नहीं है कि वो केस का डिफेंस उसको डिफेंड कर सके केस को ठीक है जी। लेकिन अगर उसने डिफेंस करना है तो विद इन 50 डेज के अंदर अंदर वो कोर्ट से परमिशन लेगा। एज ए जनरल रूल समरी ट्रायल में डिफेंडेंट के पास कोई राइट नहीं है कि वो डिफेंस करे ठीक है जी, वो ऑलरेडी जो केस है हमारे वो प्रूव हुए होते हैं, हम लोग उसको प्रेजम्पशन मान के चलते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजम्पशन है कि डिफेंडेंट गलत है। तो वहां पे समरी ट्रायल में कभी भी डिफेंडेंट को डिफेंस का राइट नहीं दिया जाता ठीक है जी। तो लॉ कहता है कि समरी ट्रायल में सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा ठीक है।
इट वॉज ऑल्सो हेल्ड इन दिस केस दैट सेक्शन 10 डज नॉट प्रोड्यूस प्रक्लूड अ कोर्ट फ्रॉम पासिंग इंटरिम ऑर्डर्स। यहां पे हमने क्या कहा, सेक्शन 10 जो है वो दूसरी कोर्ट जो है सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो ट्रायल नहीं कर सकती, ट्रायल नहीं कर सकती, लेकिन वो इंटरिम ऑर्डर जरूर सुना सकती है फॉर द टाइम बीइंग। लाइक स्टे लगा दिया आपने, ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कर दिया आपने, ट्रायल नहीं कर सकती, इंटरिम ऑर्डर आप सुना सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10 के रिगार्डिंग हमारे लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 10। इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, तो प्लीज पूछ लेना, अदरवाइज कंसेप्ट ऑलमोस्ट हम क्लियर, हमने कोशिश किया कि मैंने क्लियर किया है। तो इन केस अगर फिर भी स्टिल यू हैव अ डाउट तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई द योर कमेंट। थैंक यू सो मच।